देखिए आपने देखा क्या देखे हैं, छः बयालीस अड़सठ और तिरासी। इस प्रकार से छः का संबंध बयालीस से है, उसी प्रकार से संबंध बन रहा है सड़सठ से बयालीस का, उसी प्रकार से अब तिरासी का संबंध बन रहा है सड़सठ का। ये बहुत भयंकर जो है रीजनिंग है। और अगला उत्तर क्या होता है, अगला उसको हम प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि हम 42 में 6 घटाते हैं तो आता है 36, ठीक है। और 6 का हम 6 का वर्ग भी होता है 36, ठीक है। और उतना प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 42 अगला। तो आइए ताला खुल गया है ना चाबी से। अब देखिए 6 स्क्वायर प्लस 6 जोड़ा हुआ है 42 बार, ठीक है। और उसी प्रकार से 42 है ना प्लस 25 जोड़ देते हैं अगला टर्म का कितना है कि 25 है ना, यानी कि 42 में 25 जोड़ेंगे यानी कि 42 और प्लस 25 67 आता है। 67 में हम 4 का वर्ग जोड़ते हैं तो आ जाता है 83। और 83 में हम देखिए 83 प्लस 3 का वर्ग होगा, देखिए हो गया 6 5 या 4 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ जुटेगा 3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, तो 83 अब 9 तो हो जाएगा 9 3 12 और 8 9 92। तो देखा यहाँ 92 आता है अगला टर्म। तो मैथमेटिक्स भी आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।